मेरे को भी मजा है चलने के लिए। ऐसे ये भी एक अच्छा लाइफ है। मेरा दिन भर कितना लोग ऐसे सफ़र करता होगा, इतना मज़ा लगता है। और टेम्पो का मज़ा ही अलग है। देखो ये यहाँ पे हम 10 लोग बैठ सकता है, लेकिन रास्ता जहाँ खराब होगा आप अंदाजा लगा सकता है कि कितना गाड़ी जो है मिल रहा। तो ये भी एक मज़ा है। अगर पीछे दिखाएंगे इस तरफ तो इसका मज़ा कुछ और है। मतलब जो टेम्पो जो यूज़ करता है ना, उसके लिए भी एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि क्योंकि सभी लोग फॉर्चुनर, स्कॉर्पियो या फिर बड़े बड़े जो लग्जरियस कार में नहीं घूम सकते हैं, तो इससे भी लोग जो है इसको चला के पैसा भी कमाता है। और जो लोग बड़े बड़े गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो जो ऐसे टेम्पो से अपना ड्यूटीज़ करता है, ऑफिस जाता है या फिर बिजनेस जो भी करना है, डेली वेजेस जो काम करता है, ऐसे ही काम करके अपना दिन भर यहाँ से गुजारा होता है और फैमिली को भी ऐसे चलाता है। जैसे कि जो टेम्पो ड्राइवर हो गया और जैसे हम लोग जैसे जा रहा है, क्योंकि ये एक तरफ से टेम्पो ड्राइवर को तो अपना फैमिली को चलाने का मौका मिलता है। और सबके पास जिसका पास गाड़ी नहीं होता है, वो दिन भर ऐसे ही टेम्पो में जा करके अपना काम करता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और काफ़ी साल बाद मैं टेम्पो में जा रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस हमको लेना चाहिए था, इसीलिए सोचा कि आप लोगों के लिए एक बार ऐसे बना दो। ये देखिए अभी हम लोग सिविल सेक्रेटरी से गुजर रहे हैं, तो इसका मज़ा जो है ना अलग है। जो टेम्पो का जो मज़ा है, तुम जो मज़ा है ना, वो एकदम मज़ा लगता है। आप लोग भी जब मौका मिले ज़रूर यहाँ में कोशिश करना जाने के लिए, क्योंकि हमारा लाइफ यहाँ से एक समय शुरू हुआ था। हम लोग टेम्पो में जाते थे, ऑटो में जाते थे, तो आज सब लोग गाड़ी पकड़ता है तो कभी कभी इसको भूल जाता है। हमको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए कि हम पहले क्या थे। अभी बिल्कुल खाली हो गया, देखो तो सब चलो ये तो ये है। चलिए आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोग भी जब भी मौका मिलेगा ना, अपना गाड़ी जिसका पास नहीं होता है, टेम्पो में राइड करना, जाके देखना। और ऐसे जो ड्राइवर जो काम करता है ना, जो ऑटो टेम्पो चलाता है, उसको भी एक इंकरेजमेंट आपको मिलेगा और उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका परिवार भी चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ज़रूर इन्जॉय करेंगे। थैंक यू।